भाई पैर में आ गया मैं हरी नहीं भाई या भाग गया नहीं। कौन से बाथरूम में है? कौन जा रहा है? कैसा लगता है? क्रैश पूरा होगा यहाँ भाई का समय खाना खा रहा भाई जी। कूड़ा भी आपने बहुत भर रखा, तेल भर रखा है, कूड़ा भी कुछ ज्यादा कर रखा आपने। भाई आप दस्ताने पहनो ना, भाई उनका तो काम है, रोज देखो आप उनका यूट्यूब चैनल उनका देखो रोज का पकड़ लिया, देखो ना पकड़ लिया इनका रोज का काम है। बिना जहर का सांस है, घर में जो पकौड़े मेंढक जो घर में कीड़े पतंगे उनको खाने के लिए आता है, बिना जहर का सांप है। इसका नाम नाम क्या इसका? ये सांप है, कैसा सांप है कि हमारे घर में जितना भी कॉकरोच होता है, मेंढक के बच्चे होते हैं, इस समय जैसे आ रहे हैं उनको खाने के लिए हमारे घर में घुसता है। ये प्रकृति का एक तरह का शोधक का काम करता है, लोग डर के मारे इसको मार देते हैं। यदि यही सांप पत्थर का हो तो लोग नहीं पकड़ के चढ़ाएंगे और सामने अगर आ जाए तो जैसे आंटी की डंडा ले खड़ी है मारने का क्या रहता है। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना कर, सांप जितना छाट को देखते हैं। मैं अपने बड़े भाई सुखदेव का धन्यवाद दूंगा, कितनी बार से मुझे याद किया और मैं भी इसको अब दो शब्द में कहना चाहूँगा अपने अपने समाज से भी पहले भाई के लिए कि जो हर समय इस समाज का अपने जो मतलब हम बोले खतरे खिलाड़ी हैं, जो हमेशा आप रात करो दिन करो समय की कोई सीमा नहीं है, एकदम तुरंत एक फ़ोन पर आपके साथ आपके जो जिसकी भी समस्या होती है तुरंत पहुँच जाते हैं सेवा करने। पहला भाई का बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद। मैं बिल्कुल वाकई इस काम में था हमेशा अंदर जब मर्जी दोस्तों ये बिना जहर का सांप है और लोग डर के मारे इसको भी मार रहे हैं। इसको ये बाथरूम से निकलकर स्टोर रूम में बैठ गया था, मैं इसको ले आया हूँ इसको उसके प्राकृतिक छोड़ने के लिए। वैसे तो इंसानों के बीच में रहना पसंद करता है ये सांप। कहाँ रह गया भाई? उसको हमने पकड़ कर इसके प्राकृतिक में छोड़ दिया, आपने देखा भी होगा बिना जहर का सांप है, लोग इसको मार देते हैं। अगर हम इनको मारेंगे तो प्रकृति में जो कीड़े मकोड़े जिनका ये भक्षण करे, प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है, वो संतुलन बिगड़ जाएगा और कहीं ना कहीं उससे हमें ही नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए इनको ना मारें, ना ही किसी को मारने दें।